three consecutive win or bade margin se aap jeete the aur aaj bade margin se aap aaye, do you think it's a wake up call? हाँ नहीं देखा जिस तरह के पिछले हम लोग तीन मैच जीते थे तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि अच्छा चले अच्छा हो गया कि वेकअप कॉल मिल गई हमें और आई थिंक यहाँ पे मैं समझता हूँ कि लाहौर की टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह वो लोग खेले स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छा लिया और उसके बाद से डलपोर्ट ने इनिंग का आगाज किया वो सेट होकर उसने फिर अपनी इनिंग को बिल्डअप किया और फिर जिस तरह उमर अकमल खेला तो आई थिंक वो एक्सेप्शनल इनिंग थी और उसको उसकी इनिंग को दाद देनी पड़ेगी जी सर। बस देखें कोशिश कर रहे थे जब आपको एवरेज जो है जसन के ऊपर चला जाए तो आपको ट्राई कोशिश करनी पड़ती तो हम भी यही कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारा स्टार्ट थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था तो हमने ये कोशिश की थी कि मैच को ट्राई करते रहें कोशिश करते हैं मैच को करीब लेके जाएं लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हुए फिर आउट होते चले गए फिर इसकी वजह से लॉस हुआ मैच। नहीं ऐसा कुछ नहीं था थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन ये कि इंशाल्लाह अपनी जो गलतियां हुई हैं उसको नेक्स्ट मैच कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए वो लोगों का अपना अपना ओपिनियन है लेकिन हम तो मैच बाय मैच खेल रहे हैं। देखें बहुत सारी टीमें यहाँ पे अच्छी टीमें बन बन गई इस तरह आज लाहौर की टीम दो मैच हारी हुई थी आज उसने कम बैक किया तो आई थिंक ये कि हमारी टीम के लिए अच्छा साइन है कि एक वेकअप कॉल मिल गई है तो इंशाल्लाह जाके बैठेंगे देखेंगे जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट मैच में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं आज थोड़ा विकेट का बिहेवियर काफी चेंज था क्योंकि आज एक ही मैच था तो विकेट बॉल काफी अच्छा खेली और जिस तरह की आज शॉर्टें लगी तो आई थिंक ये अच्छा साइन है कि डे बाय डे पिच इंप्रूव हो रही है और रन बढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह क्रिकेट का भी मजा आएगा अच्छे लोगों को क्रिकेट देखने को भी मिलेगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और अच्छे हाई स्कोरिंग मैच होंगे। जी देखें वहां पे जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह यहाँ पे क्राउड आ रहा है तो उम्मीद है कि वहां इंशाल्लाह जो है क्राउड आएगा काफी क्योंकि वहां भी काफी हमारे एक तो ग्राउंड भी छोटा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग वहां पे आएंगे टीमों को सपोर्ट करने के लिए। देखें जिस तरह का ग्राउंड है तो छोटा लेकिन एक छक्के मारने पड़ते हैं वहां पे तो उम्मीद है कि वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे इंशाल्लाह। नहीं नसीम भाई टॉप थ्री भी कर रहे थे माशाल्लाह देखें अभी चौथे नंबर पे अपना नवाज भी आके उसने भी रन किए मैं भी थोड़े बहुत चिपन कर रहा तो आई थिंक ये अच्छा था। नहीं देखें आपकी T20 में अगर आपके ऊपर के चार पांच बैट्समैन ही स्कोर करते हैं अगर आपके ऊपर के टॉप ऑर्डर या बीच में से एक अच्छी इनिंग खेल एक इनिंग चाहिए होती है आपको T20 में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे के मैच में हमारे जितने भी बैट्समैन फॉर्म में आ जाएंगे इंशाल्लाह और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे आगे।